गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे अर्थशास्त्र की बुक चैप्टर 1 पालमपुर गांव की कहानी। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। जैसे कि ये कहानी है पालमपुर गांव की, तो इस कहानी का जो उद्देश्य है वो है उत्पादन से संबंधित कुछ मूल विचारों से परिचय कराना। तो जो स्टार्ट करते हैं, पालमपुर में खेती जो है, गांव है और वहाँ पर खेती क्या एक मुख्य क्रिया है, जबकि अन्य क्रियाएं जैसे लघु स्तरीय विनिर्माण, डेयरी, परिवहन आदि सीमित स्तर पर की जाती है, लेकिन खेती क्या है वहाँ की मुख्य क्रिया है। उत्पादन क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है। उत्पादन कार्य जो होता है या उत्पादन क्रियाएँ जो होती है, उसके लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है, यथा प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन या वस्तुएं, मानव प्रयास, मुद्रा आदि। तो जो ये संसाधनों की आवश्यकताएं होती हैं, उनमें है प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित वस्तुएं, मानव प्रयास, मुद्रा, पैसा आदि। पालमपुर की कहानी से हमें ज्ञात होता है या विदित होता है कि गांव में इच्छित वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करने के लिए विभिन्न संसाधन किस प्रकार समायोजित होते हैं। जब हम इस कहानी को पढ़ेंगे तो हम समझ पाएंगे कि जो संसाधन होते हैं उनको किस तरीके से, किस प्रकार से समायोजित किया जाता है, या कोई भी वस्तु है जो इच्छा के अनुरूप कोई वस्तुएं और सेवाओं को अगर उत्पादित करने के लिए जो संसाधन होते हैं वो किस प्रकार समायोजित होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं परिचय। पालमपुर आस पड़ोस के गाँवों और कस्बों से भली भांति जुड़ा हुआ है। जो पालमपुर गाँव है वो क्या है, आस पड़ोस के गांवों और जो कस्बे हैं उनसे क्या है, अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है। एक बड़ा गांव है, रायगंज पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी में है। जो रायगंज है वो पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है और हर मौसम में यह सड़क गांव को रायगंज और उसके आगे निकटतम छोटे कस्बे शाहपुर से जोड़ती है। तो प्रत्येक मौसम में, कैसा भी मौसम हो, उसमें जो ये सड़क है ये क्या करती है, गांव को रायगंज और उसके आगे निकटतम छोटे कस्बे शाहपुर से जोड़ती है। इस सड़क पर गुड़ और अन्य वस्तुओं से लदी बैलगाड़ियां, भैंसा बग्गी से लेकर अन्य कई तरह के वाहन जैसे मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर और ट्रक तक देखे जा सकते हैं। जो ये सड़क है इसमें क्या है, इस तरीके के वाहन देखने को मिलते हैं, देखे जा सकते। और इस गांव में विभिन्न जातियों के लगभग कितने लोग, 450 परिवार रहते हैं। तो आप सोच सकते हैं कितने परिवार रहते हैं वहां पर, 450 परिवार रहते हैं। गांव की जो अधिकांश भूमि है वो क्या है, उच्च जाति के लोगों के पास है। उच्च जाति के 80 परिवार हैं वहां पर। आप देखिए 80 परिवार क्या हैं, उच्च जाति के। अधिकांश भूमि के स्वामी क्या हैं, उच्च जाति के हैं और इनके परिवार कितने, 80 परिवार हैं। और उनके जो मकान हैं वो जिसमें जिनमें से कुछ बहुत बड़े हैं और ईंट सीमेंट से बने हैं। जो उच्च स्वामी हैं, जिनके पास अधिकांश भूमि के जो स्वामी हैं। इसके अलावा अनुसूचित जाति जो दलित हैं के लोगों की संख्या क्या है, गांव की कुल जनसंख्या का 1/3 है। जो टोटल जनसंख्या है उसका 1/3 है और वे गांव के एक कोने में, देखिए सोचिए कैसे, वो गांव के एक कोने में काफी छोटे घरों में रहते हैं। जबकि देखा उच्च जाति के लोग क्या हैं, उनके मकान हैं जिनमें से कुछ बहुत बड़े भी हैं जो उच्च जाति के हैं, और जो दलित हैं उनके क्या हैं, वो एक कोने में रहते हैं गांव के और क्या है, काफ़ी छोटे कोने में, काफ़ी छोटे घरों में वे रहते हैं जिनमें कुछ मिट्टी और फूस के बने हैं, मिट्टी से उनके मकान बने हैं। आपने ऊपर देखा उनके मकान किससे हैं, सीमेंट के बने हुए हैं, जबकि जो दलित जाति के लोग हैं उनके मकान किसके हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं उनके मकान मिट्टी और फूस से बने हैं। अधिकांश के घरों में बिजली है, खेतों में सभी नलकूप बिजली से ही चलते हैं। जो उनके खेतों में अधिकतर बिजली है वहाँ पर, और जितने भी उनके खेतों में सभी जो नलकूप हैं वो किससे चलते हैं, बिजली से चलते हैं, और इनका उपयोग विभिन्न प्रकार के छोटे कार्यों के लिए किया जाता है। जो भी छोटे मोटे कार्य होते हैं उनके लिए इनका प्रयोग किया जाता है। एक गांव का दृश्य यहाँ पर दिखाया गया है। पालमपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय, 1 हाईस्कूल है। आप देखिए वहाँ पर प्राथमिक विद्यालय भी है, हाईस्कूल भी है। गाँव में 1 राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और निजी अस्पताल
अस्पतालय भी है जहाँ रोगियों का उपचार किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि पालमपुर में सड़कों, परिवहन के साधनों, बिजली, सिंचाई, स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों का क्या है, पर्याप्त विकसित तंत्र है। तो जो आप देख रहे हैं इस कहानी में कि ये सब चीज़ें क्या हैं, उनका विकसित तंत्र वहाँ पर है पालमपुर में। अब बच्चों, जो पालमपुर की कहानी है वो हमें किसी भी गांव की अगर हम बात करें तो किसी भी गांव में विभिन्न प्रकार की जो उत्पादन संबंधी गतिविधियां होती हैं उनके बारे में बता रही है या हमें बताएगी। अब बात करते हैं, अगर हम देखें भारत के गांव में, तो भारत के गांव में खेती क्या है, उत्पादन की प्रमुख गतिविधि है। जो खेती है वो क्या है, प्रमुख गतिविधि है किसकी, उत्पादन की। अगर हम अन्य उत्पादनों की बात करें या अन्य उत्पादन गतिविधियों की बात करें तो उनमें आते हैं आपके गैर कृषि क्रियाएं, जिन्हें क्या कहा जाता है, गैर कृषि क्रियाएं, लघु, विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी, इनमें क्या है शामिल है। तो जो ये थी पालमपुर की जो कहानी, अब हम बच्चों इसमें आगे देखते हैं। इसमें दिया है उत्पादन का संगठन। अब देखिए बच्चों, उत्पादन का संगठन की अगर बात करते हैं तो उत्पादन जो है, उत्पादन का जो उद्देश्य है वो क्या है, एक ऐसी वस्तुएं या कहें कि ऐसी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करना जिनकी कि हमें क्या है, आवश्यकता है। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए क्या है बच्चों, चार चीज़ें आवश्यक हैं। अब कोई वस्तुएं अगर बनाई जा रही हैं या वस्तुओं का उत्पादन किया जा रहा है या सेवाओं का उत्पादन किया जा रहा है, तो उनके लिए कुछ चीज़ों की चीज़ें भी आवश्यक हैं, तभी हम उनका उत्पादन कर सकते हैं। तो जो वो चीज़ें हैं जिनकी आवश्यकता है, जो आवश्यक हैं, वो चार चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। फर्स्ट है आपकी भूमि। अब देखिए बच्चों, भूमि क्या है, पहली आवश्यकता है, क्योंकि भूमि के बिना ये पॉसिबल नहीं है। और अन्य प्राकृतिक संसाधन, इसके साथ हमें अन्य प्राकृतिक संसाधन भी चाहिए, जैसे जल, वन, खनिज, ये सब भी हमें इसके साथ चाहिए। दूसरी आवश्यकता है श्रम, मीन्स जो लोग काम करेंगे। जैसे आप देखेंगे कोई भी कार्य, कुछ भी चीज़ उत्पादित की जाती है, किसी भी चीज़ का उत्पादन किया जा रहा था, उसमें श्रम काम करने के लिए लोगों की आवश्यकता होती है। तो जो लोग काम करेंगे, श्रम, उसकी भी आवश्यकता होती है। और कुछ उत्पादन क्रियाओं में क्या होता है, जरूरी जो कार्य होते हैं उनको करने के लिए पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत पड़ती है। और कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो दूसरी क्रियाएं होती है, जिसमें शारीरिक कार्य, जिसमें मेहनत, फिजिकली वर्क करने के लिए क्या होता है, करने वाले मजदूरों की, श्रमिकों की भी ज़रूरत पड़ती है। तो जो प्रत्येक श्रमिक होता है, प्रत्येक श्रमिक क्या करते हैं, उत्पादन के लिए आवश्यक सब श्रम प्रदान करते हैं, मेहनत करते हैं। अब जो तीसरी आवश्यकता की बात करते हैं वो है भौतिक पूंजी, अर्थात हम कह सकते हैं कि उत्पादन के लिए प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित कई तरह के आगत। अब जो भौतिक पूंजी है उसके अंतर्गत जो मदें आती हैं उनको डिस्कस करते हैं। भौतिक पूंजी के अंतर्गत उसमें पहली आती है आपकी औजार, मशीन, भवन। आपको कोई चीज़ उत्पादन करना है या कोई चीज़ उत्पादित करना है तो उसके लिए आपको औजार भी चाहिए, मशीन भी चाहिए, भवन भी चाहिए। तो पहली मत क्या हो गई आपकी, औजार, मशीन, भवन। औजारों तथा मशीनों में अत्यंत साधारण औजार, जैसे किसान का हल, अगर हम जो किसान जिस खेत जोतते हैं हल से लेकर, अगर हम परिष्कृत मशीनों जैसे जनरेटर, टर्बाइन, कंप्यूटर आदि आते हैं। किसके अंतर्गत, साधारण औजारों तथा मशीनों में अत्यंत साधारण औजार, ये आते हैं। औजारों, मशीनों और भवनों का उत्पादन में कई वर्षों तक प्रयोग होता है। आप ये सब जानते हैं कि औजार जो होते हैं और जो मशीनें होती हैं और भवनों का, कोई भी चीज़ उत्पादन में कई सालों से प्रयोग होता है। और इन्हें क्या कहा जाता है, स्थाई पूंजी कहा जाता है। ये क्या होती है आपकी, स्थाई पूंजी होती है। नेक्स्ट है आपका कच्चा माल और नकद मुद्रा। नेक्स्ट है आपका कच्चा माल और नकद मुद्रा।
तो बच्चों उत्पादन में कई प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता भी होती है। जो सेकंड है आपका, तो रॉ मटेरियल की भी आवश्यकता होती है। जैसे जो बुनकर होते हैं उनको क्या होती है, सूत की आवश्यकता होती है। ऐसे कुम्हार होते हैं उनको क्या होता है, मिट्टी की आवश्यकता होती है। तो उत्पादन के दौरान भुगतान करने तथा जरूरी माल को खरीदने के लिए क्या होती है, पैसों रुपयों की भी आवश्यकता होती है। और कच्चा माल तथा नगद पैसों को क्या कहा जाता है, कार्यशील पूंजी कहा जाता है। अभी आप समझे ना, स्थायी पूंजी किसे कहते हैं। औजारों मशीनों और भवनों का उत्पादन में कई वर्षों तक प्रयोग होता है और इन्हें क्या कहा जाता है, स्थायी पूंजी कहा जाता है। और आप अभी देख रहे हैं कच्चा माल तथा नगद पैसों को क्या कहा जाता है, कार्यशील पूंजी कहते हैं। और जो औजार मशीनों तथा भवनों से क्या होता है, से ये चीज़ें उत्पादन क्रिया के दौरान समाप्त हो जाती है। अगर हम बात करें औजारों मशीनों तथा भवनों से, ये क्या है, भिन्न है, ये चीज़ें क्या है, उत्पादन क्रिया के दौरान समाप्त हो जाती है। जबकि मशीनें औजार और भवन वैसे रहते हैं, लेकिन ये चीज़ें जो कार्यशील पूंजी कच्चा माल तथा नगद पैसा, ये क्या होते हैं, समाप्त हो जाती है। अब देखिए बच्चों, जो नेक्स्ट चौथी एक आवश्यकता और है, जिसे क्या कहा जाता है, मानव पूंजी। अब मानव पूंजी क्या है, अब देखिए, स्वयं उपभोग हेतु बाजार में बिक्री हेतु उत्पादन करने के लिए भूमि श्रम भौतिक पूंजी को एक साथ करके करने योग्य बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, नॉलेज ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता पड़ती है या पड़ेगी। और इसे क्या कहा जाता है, मानव पूंजी कहा जाता है। जो आप चित्र में देख सकते हैं, आपकी बुक में एक चित्र दिया गया है, कारखाने में मशीन पर कार्य करते श्रमिक आपको दिखाई दे रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि भूमि श्रम और स्थायी पूंजी को उत्पादन के लिए किस तरीके से प्रयोग किया गया है। तो बच्चों उत्पादन भूमि श्रम और पूंजी को संयोजित करके संगठित होता है, जिन्हें उत्पादन के कारक कहा जाता है। तो यहाँ जो है, इस अध्याय में हम, इस चैप्टर में हम भौतिक पूंजी को पूंजी कहेंगे। तो बच्चों आज हमने उत्पादन का संगठन, या कहें वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए जो चीज़ें आवश्यक हैं, जैसे भूमि श्रम भौतिक पूंजी और मानव पूंजी, इनको डिस्कस किया। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे, पालमपुर में खेती। बच्चों इसके साथ आज आपको अर्थशास्त्र पढ़ाई गई है, इसका फर्स्ट चैप्टर, तो इसकी कॉपी जो बनेगी आपकी वो अलग बनेगी और इसके क्वेश्चन आंसर आपको बीच में भेज दिए जाएंगे या इसके बाद ही, तो उनको आप अपनी नई कॉपी बनेगी, मीडियम साइज़ दोनों साइड रूल वाली, तो उसमें आप करेंगे, क्योंकि ये नई बुक है तो इसकी कॉपी आपकी अलग बनेगी। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।